नमस्कार दोस्तों, अचूक प्राचीन टोटके में आप सभी का स्वागत है। वीडियो देखने के बाद वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबाएं और उसके साथ में लगी घंटी को भी दबाएं, ताकि हमारे ऐसे ही आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको हमेशा मिल सके। और इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि हनुमान चालीसा का केवल एक उपाय आपको आगे बढ़ा सकता है, तो ज़रूर अपनाएं। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति होती है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हनुमान जी जिससे भी प्रसन्न होते हैं उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता और ना ही उसे कोई कष्ट सता सकता है। हनुमान जी के भक्त को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए इनकी पूरे संसार में पूजा की जाती है। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि हनुमान जी की पूजा विशेष तरीके से करने से कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिनको करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए आज हम आपको उसी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे करने से आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हनुमान जी राम जी के एक ऐसे दूत हैं जिनकी आराधना करने से मनुष्य जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी को जो भक्त सच्चे मन से याद करता है उसकी सभी परेशानियाँ पल भर में ही खत्म हो जाती हैं, तथा जो भक्त उनकी चालीसा का पाठ करता है उस पर उनकी हमेशा कृपा बनी रहती है। आज हम आपको रामदूत के हनुमान चालीसा का एक ऐसा राममान उपाय बताएंगे जिसका प्रयोग करने से हनुमान जी के भक्त को आर्थिक तंगी, रोगों से तथा दुखों से छुटकारा मिलेगा। हनुमान जी की चालीसा का पाठ मंगलवार या शनिवार के दिन किया जा सकता है। इसके अलावा आप किसी भी शुभ मुहूर्त में तथा विपत्ति के समय में हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। उपाय को करने की विधि। इस उपाय को करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने सभी दैनिक कार्यों को करने के बाद स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण कर लें। अब हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा के सामने धूप अगरबत्ती जलाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, फूल चढ़ाएं तथा बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा के सामने एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का लगातार बिना रुके 11 बार जप करें। हनुमान जी की चालीसा का पाठ घर पर भी किया जा सकता है, लेकिन घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए एक शांतिपूर्वक स्थान को चुनें तथा पाठ की शुरुआत करने से पहले उस स्थान की साफ सफाई अच्छी तरह से कर लें। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहेगी। जय श्री राम, जय हनुमान। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप सभी इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके साथ में लगी घंटी को भी दबाएं, ताकि भविष्य में हमारे ऐसे ही आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।